गुड आफ्टरनून चिबाई खुलुमखा मेरे सब तिप्रसा लोगों को। मैं आज दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली आया था, यहां में हाई लेवल टॉक्स चल रहा है और फ्रॉम दिल्ली मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। सो आप लोग जहां भी हो, कहीं भी हो, आप मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से सुनिए। आप लोग के हित के लिए है ये, दिस इज इन योर इंटरेस्ट एंड आई वांट यू टू, जहां भी हो आप लोग प्लीज एक मिनट दो मिनट निकालकर मेरे स्टेटमेंट को प्लीज गौर से सुनिए। मैं दिल्ली में हूं और यहां में बात चल रहा है और कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बात चल रहा है और हमने अपने पोजीशन में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आपको मालूम होगा कि पिछले थोड़े दिन से ये टीबीएसई के चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद काफी तनाव रहा है। मैंने हमेशा कहा कि ये ऑप्शन जो हमारे स्टूडेंट्स को रहना चाहिए कि वो अपने चॉइस में बांग्ला हो या रोमन स्क्रिप्ट हो उसमें अपना परीक्षा दे, और ये हमारा पोजीशन रहा है और हमने अपने पोजीशन को पब्लिकली भी बोला है। एक भाषा हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है एंड वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज दिस फॉर अ फ्यूचर ऑफ अ नेक्स्ट जनरेशन। तो मैं जानता हूं कि आज पूरे त्रिपुरा में ब्लॉकेट चल रहा है, रोड प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको फिर से अपील करता हूं कि प्लीज भी शांति रखिए, क्योंकि वायलेंस से जो हमारा अच्छा नाम है, हमारे लोगों का अच्छा नाम है, वो खराब हो जाएगा। वायलेंस से कभी कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एकता से कुछ मिलता है। तो अभी अभी मेरे डियर स्टूडेंट्स ऑफ त्रिपुरा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम न्यूज। द हाइस्ट अथॉरिटी फ्रॉम द लैंड एंड सेंट्रल अथॉरिटी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे परीक्षा चलता था वैसे ही त्रिपुरा में परीक्षा होगा। स्टूडेंट्स हैव द राइट टू अपियर फॉर एग्जाम्स इन द लैंग्वेज दे वॉन्ट टू राइट इन। छात्रों को कुछ प्रेशर नहीं दिया जाएगा कोई और लैंग्वेज लिखने के लिए जो वो लिखना नहीं चाहते हैं। जैसे एग्जाम्स होता था पहले वैसे ही एग्जाम्स होगा और आपके पास फुल चॉइस है कि आप कौन से स्क्रिप्ट में लिखें। ये बात मुझे हाईएस्ट अथॉरिटी से मिल गया है अश्योरेंस, और उन्होंने और एक चीज कहा है कि छात्रों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, कोई गलत काम नहीं किया जाएगा और आपको जो भी स्क्रिप्ट में लिखना है ये आपके ऊपर है, आप लिखिए, अच्छे से पढ़िए और पास कीजिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट और उससे भी सेंट्रल लीडर्स की तरफ से भी मुझे अश्योरेंस दिया गया है। तो मेरे प्रिय तिप्रासा लोग, माय लविंग एंड माय डियर तिप्रासा स्टूडेंट्स, मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि उनको अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने दीजिए, क्योंकि जो मुझे अश्योर किया गया है उनको भी बोलना पड़ेगा, सिर्फ मुझे बोलने से नहीं होगा। तो जब तक उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब तक आप लोग शांति से अपनी जगह में बैठिए, और जैसे उनका स्टेटमेंट आता है जो मैंने आज बोला है उसके बाद पीसफुली आप अपना स्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट के लिए वेट कीजिए। दूसरा बात, ये मेरा जीत नहीं है, ये एक पार्टी का जीत नहीं है, ये कम्युनिटी का विक्ट्री है। मैं इसमें टीएसएफ को थैंक करना चाहता हूं, मैं टीआईएसएफ को थैंक करना चाहता हूं, मैं सिविल बॉडीज जो जिन्होंने हमारे लीडर्स के संग बात किया, मुझसे बात किया, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं।
जिंदगी में तीन चीज से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अपना जमीन का अधिकार, अपनी आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज। राजनीति आप कोई भी सब्जेक्ट करो, ये तीन को छोड़कर आप कभी भी राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीन चीज को आप कभी बेच नहीं सकते। अगर ये तीन चीज को आपने खत्म किया तो आपका अस्तित्व, आपका आइडेंटिटी, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। ये जीत थानसा का है, क्योंकि जो लोगों ने सपोर्ट किया है उनका वोट कहीं भी जाए उनका भविष्य एक है, अस्ति प्रसंस। ये जीत आपकी है और ये जीत को अगर आपको आगे ले जाना है तो एक बात आपको हमेशा रखना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट को पीछे रखो, स्वार्थी इंटरेस्ट को पीछे रखो और नेक्स्ट जनरेशन के इंटरेस्ट को कायम रखो। मैं आप सबको फिर से बोलता हूं कि मैं, मुझे अश्योरेंस दिया गया है और ये अश्योरेंस हाईएस्ट अथॉरिटी से आया है। मैं दिल्ली में हूं, स्टेट से भी बात हुआ है और जब स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट देगा उसके बाद ही आप अपना स्टॉक को विड्रॉ कीजिए। लेकिन मुझे बोला गया है कि स्टूडेंट को जैसे परीक्षा देते थे पहले वैसे ही वो परीक्षा देंगे और उनको ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि वो कौन से स्क्रिप्ट में परीक्षा दे। तो जो लोग बोल रहे थे कि FIR फाइल करेंगे, बहुत मैंने देखा एक पुलिस ने कहा उग्रवादी, हम लोग उग्रवादी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेटिकली अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं और जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष रखेंगे, क्योंकि आप हमको कुछ भी बोले एक दिन आपको मानना पड़ेगा कि हानी भुसा का थानसा सोल्यूशन ला सकता है। बेलाई बेलाई नो हम बाय। वंस अगेन आई वॉन्ट टू थैंक द स्टूडेंट्स TSF एंड TISF, आई वॉन्ट टू थैंक द सिविल सोसाइटी, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द लीडर्स who did not think about their party but thought about their jati, who did not think about their personal interest and thought about the interest of the next generation. If we stay united, we can achieve something. If we are divided, nobody will take us seriously. Once again, love you all. Stay united, peaceful, but stay strong. Belai belai no hambai, khulunkha.